सुनाई दे रहा है? दो मिनट वेट कर लेते हैं जब तक बाकी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ओके हेलो एवरीवन, सुनाई दे रहा है? हेलो हार्दिक, कैसे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा है, आई कांट सी पीपल, बाकी लोग दिख नहीं रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर। चलो शुरू करते हैं क्लास। हम लोग अपनी आज हम लोग क्विक रिवीजन के सीरीज में पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर को। ठीक है, थ्योरीज ऑफ फेलियर को हम लोग देखेंगे सिंपल शब्दों में, ताकि आपके अगर ये एग्जाम में आए, साथ साथ में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो इसको आप लोग जरूर बना सको। हो सकता है, बहुत सही कहा, आता होगा। चलिए शुरू करते हैं फिर अपनी क्लास को। आप देखिए, सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि फेलियर क्या होता है। फेलियर का क्या मतलब होता है कि हर एक मशीन एलिमेंट या फिर मटेरियल का हमें पता है एक सर्टेन स्ट्रेंथ रहता है। ठीक है, एक सर्टेन स्ट्रेंथ रहता है। अगर उसके बियॉन्ड मेरा मटेरियल चला जाए, तो उसके बियॉन्ड अगर हम लोग लोड लगाएं, ठीक है, स्ट्रेस जनरेट हो, अगर इससे ज्यादा हो जाए तो मेरा जो मटेरियल होगा वो फेल हो जाएगा। ठीक है, वो फेल हो जाएगा। टिल नाउ हम लोग इससे पहले तक थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते थे, हमेशा एक मटेरियल लेते थे और इसके ऊपर हम लोग यूनिएक्सियल लोडिंग करते थे। ठीक है, यूनिएक्सियल लोडिंग करते थे, सिंपल एनालिसिस करते थे, ठीक है, और मटेरियल को फेल कराते थे यूनिएक्सियली। बट हम लोगों को एक बात पता है कि रियल वर्ल्ड में हमारे जो मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे लोड्स कंबाइंड एक बार में लगते रहते हैं। ठीक है, कंबाइंड एक बार में बहुत सारे स्ट्रेसेस हमारे लगते हैं। तो ये जो थ्योरीज ऑफ फेलियर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग रिलेट कर सके हमारे जो सिंपल जो हम लोगों ने टेस्ट किया था ना। ठीक है, एवरेज वेटेज आपका 5-6 मार्क्स का रहता है, 5-6 मार्क्स का, ज्यादा नहीं रहता है, पर फिर भी इजीली सिक्योर किया जा सकता है ये मार्क। ठीक है, ये मार्क्स इजीली सिक्योर किया जा सकता है। मैं भी प्लस कोर्स ले रहा हूं अनअकैडमी पर, मशीन डिजाइन के ऊपर। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है टॉपिक्स कंप्लीट करने पे, तो है ये जल्दी हो जाएगा, इजिली हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग कहाँ देखते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं कि सिंपल लोडिंग। ठीक है, सिंपल जब हम लोग यूनिएक्सियली लोड करते हैं और जो कंबाइंड लोडिंग होता है, इनके बीच में जो हम लोगों का रिलेशन लाते हैं हम लोग,
वो आता है हमारी थ्योरीज ऑफ फेलियर से। सिंपल जो हम लोग यूनिएक्सियली लोडिंग जो हम लोग करते हैं, ठीक है, ये हम लोग परफॉर्म करते हैं अपने, ये हम लोग परफॉर्म करते हैं अपने यूटीएम मशीन पर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। नाउ बाय सिंपल टेंशन, ठीक है, बाय सिंपल टेंशन हम लोग लगाते हैं मटेरियल के ऊपर बाय यूजिंग द यूटीएम मशीन। अब देखिए, हम लोगों के लिए मुश्किल है किसी एक बॉडी जिसके ऊपर इतने सारे स्ट्रेसेस एक साथ एक्ट कर रहे हैं, उसको इतने सारे उसके ऊपर टेस्ट्स किए जाएं, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं हमारे लोडिंग के लिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग थ्योरीज ऑफ फेलियर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाय थ्योरीज ऑफ फेलियर we get an simple relationship between materials which are subjected to the complex stresses and the simple tension test. इससे क्या होता है, relation निकलता है simple जो हम लोगों ने testing की है उसके और complex stresses के बीच में हम लोगों का relation निकलता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपना basic start करते हैं from the maximum principal stress theory. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको हम लोग रैंकाइंस थ्योरी भी कहते हैं, ओके? ये स्टेट करता है कि एक मटेरियल हम लोगों का फेल होगा जब हम लोग लार्जेस्ट प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है, वो एक्सीड कर देगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ या फिर अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ को, ठीक है। ये थ्योरी क्या कह रहा है ये हम लोगों को, हेलो आनंद, ये हम लोगों को क्या कहता है कि जो हमारा जो मटेरियल है उसके ऊपर हम लोगों ने लोड लगाया, उसके ऊपर जो लार्जेस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जहां पर हमारे शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, हम लोगों के उस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस जहां पर हमारा जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो एक मटेरियल का अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू उसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ या फिर यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए तो ये हमारा मटेरियल जो होगा फेल हो जाएगा। तो हमारे पास तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, समझ लीजिए, एक मटेरियल पर सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा थ्री, ठीक है, सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा थ्री, सच दैट सिग्मा वन जो होगा वो सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद सिग्मा टू और सबसे कम हम लोगों का सिग्मा थ्री है। तो फेलियर जो होगा हम लोगों का तब होगा अगर हमारा जो सिग्मा वन की वैल्यू है, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू है, अगर वो, ठीक है, एस वाई टी से या एस यू टी से ज्यादा हो जाएगी तब हमारा मटेरियल क्या होगा, फेल हो जाएगा, ओके। अब इसी केस में हम लोगों को क्या दिया गया रहता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सर ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा डिजाइनर प्रोवाइड करता है। जैसे समझ लीजिए एग्जांपल के लिए, हम लोगों के पास एक लिफ्ट है, ठीक है, एक लिफ्ट है, इसमें बोला गया है कि 20 लोगों से ज्यादा नहीं बैठ सकते, ठीक है, 20 लोगों से ज्यादा नहीं बैठ सकते, इसमें खड़े नहीं रह सकते, ठीक है, इस लिफ्ट में 20 लोगों से ज्यादा नहीं खड़े रह सकते। अगर 21वां आदमी आया तो ये मेरा लिफ्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा, गिर जाएंगे, सब मर जाएंगे, है ना। तो हमारा डिजाइनर क्या करता है कि बोल देता है कि इसमें 10 लोगों से ज्यादा अलाउड नहीं है, 10 लोगों से ज्यादा अलाउड नहीं है, और हमको पता है मैक्सिमम कितने अलाउड है, 20। एक्चुअल में वो कितना बेयर कर लेगा, 20 बेयर कर लेगा, वो हम लोगों का डिजाइनर क्या बोल देता है, सिर्फ 10 बेयर कर पाएगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो कितना लेता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना मैक्सिमम पॉसिबल है 20 डिवाइडेड बाई जितना वो परमिसिबल, वो बोला कि इतना ही बस आना, ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 10, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरा 2 हो गया। आया समझ में? तो यहां पर हम लोगों का जो फेलियर क्राइटेरिया हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा वन एस वाई टी, ठीक है, एस वाई टी अपॉन एफ ओ एस। एस वाई टी किसके लिए लिखेंगे, फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। मेरा जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो तभी फेल हो जाता है जब वो यील्डिंग करने लगता है। जैसे मैंने एक मटेरियल को बनाया,
ठीक है, मटेरियल बनाया किसी एक पर्पस के लिए, जब मैं उसे बनाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि उसके ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस लग गया है कि वो यील्ड होने लग गया। मतलब समझ लो कि मैंने एक ब्रिज बनाया, ठीक है, मैंने ब्रिज बनाया, अब क्या है कि इसके ऊपर इतना लोड लगा कि इसकी यील्डिंग हो गई है, इसके ऊपर से जो भी कार जा रहे हैं, ठीक है, जितने भी कार जा रहे हैं वो सारे, मतलब मेरा ब्रिज कुछ ऐसे हिल रहा है, ठीक है, अभी तक फेल नहीं हुआ है, ठीक है, फ्रैक्चर नहीं हुआ है उसका, पर वो अपना पर्पस को तो सर्व नहीं कर पा रहा है ना। तो पर्पस को अगर वो सर्व नहीं कर पा रहा है तो वो मटेरियल मेरा फेल हो चुका है, ठीक है, बिकॉज ऑफ यील्डिंग। तो क्या होगा, एस वाई टी ये हो गया डिवाइडेड बाई एफ ओ एस। जैसे ब्रिटल मटेरियल्स हमारे होते हैं, ब्रिटल मटेरियल्स हमारे का फेल होते हैं अल्टीमेट पर, फेल होते हैं डायरेक्टली, इसमें कोई भी यील्ड नहीं होता है। हाँ हाँ वेरी गुड, यील्ड नहीं होता है, जो ब्रिटल मटेरियल्स उसमें उसमें यील्डिंग नहीं होती है, डायरेक्ट अल्टीमेट पर ही टूटता है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा वन अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू एस यू टी अपॉन एफ ओ एस के बराबर हुआ तो मेरा मटेरियल हम लोगों का फेलियर कंडीशन कहलाएगा। ओके, ब्रिटल मटेरियल जैसे कास्ट आयरन, आया समझ में। अब देखिए आपको क्या बता रहा हूं, लिमिट्स, लिमिट्स के बारे में बताता हूं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड टेंशन। यहां पर क्या माना जाता है कि जितना हम लोगों का स्ट्रेंथ है मटेरियल का, कंप्रेशन में जब मैं एक मटेरियल को कंप्रेस करूंगा उसका जितना स्ट्रेंथ है उतना ही हमारे मटेरियल का स्ट्रेंथ है अगर मैं उसके ऊपर टेंसाइल लोड लगाता हूं तो। पर ऐसा एक्चुअल वर्ल्ड में होता नहीं है, ऐसा एक्चुअल वर्ल्ड में नहीं होता है क्योंकि दोनों का स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है। दूसरा क्या है, ओनली एप्लीकेबल ऑन आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स, आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स पे ही रहता है और ये डिपेंड नहीं करता है कि ओरिएंटेशन क्या है हमारे प्लेन्स का। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्या है, फेलियर सरफेस किस टाइप का दिखता है, ये हम लोगों का स्क्वायर बनता है, ठीक है, ये जो हम लोगों का बाउंड्री दिख रहा है ये क्या है, एस यू टी या फिर एस वाई टी का है, ठीक है, एस यू टी या एस वाई टी है। ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये जो रीजन आप देख रहे हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेफ रीजन, ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट इसके अंदर आया तो मेरा मटेरियल सेफ है, ठीक है, अगर इसके अंदर आया तो मेरा मटेरियल सेफ है, ये याद रखना। अगर इसके बाहर कुछ भी गया, ठीक है, अगर इसके बाहर कुछ गया तो मेरा मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है, मेरा मटेरियल फेल हो जाएगा अगर इस पॉइंट पे लाइक किया तो, अगर अंदर लाइक किया तो सेफ रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी या फिर जिसको हम लोग MSST बोलते हैं या फिर जिसको हम लोग गेस एंड ट्रेस्कास थ्योरी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग गेट प्रीवियस ईयर में भी देखोगे। अब इस थ्योरी के हिसाब से हमारा यील्डिंग तब होगा जब जो हमारा मटेरियल है उसका जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, ठीक है, वो रीच हो जाएगा, जिसके वजह से यील्डिंग हो जाएगी हम लोगों की इन अ सिंपल टेंशन टेस्ट, इन एक्चुअल रीचेस टू दैट वैल्यू विच कॉज्ड यील्डिंग इन द सिंपल यील्ड टेस्ट। दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, मैं आपको बताया ना, एक्चुअल कंडीशन और सिंपल टेंशन टेस्ट के बीच का हम लोग कंपैरिजन करते हैं। अगर यहां पर जितना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है एक्चुअल में, अगर वो एक्सीड कर जाएगा एक सिंपल टेंशन टेस्ट के द्वारा देखे गए जो फेलियर हुआ है बिकॉज ऑफ शियर, उसके वैल्यू से अगर ज्यादा हो जाएगा तो मेरा मटेरियल फेल हो जाएगा। तो अगर मेरे पास तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, सिग्मा वन इज ग्रेटर देन सिग्मा टू इज ग्रेटर देन सिग्मा थ्री, तो जो हम लोगों का मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू। ये सर कैसे होगा, ये मैं ना अच्छे से समझाता हूं, यहां पर तो उतना जगह नहीं है, बता नहीं सकता। क्या होता है, ये हम लोगों के स्ट्रेसेस होते हैं, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के लिए ये मेरा ऐसा मोहर सर्कल बनेगा, वाई जेड प्लेन के लिए मेरा कुछ ऐसा मोहर सर्कल बनेगा, और एक्स जेड प्लेन के लिए, ठीक है, एक्स जेड प्लेन के लिए मेरा कुछ ऐसे मोहर सर्कल
बनता है। तो आप देख सकते हो एक्स वाई प्लेन के लिए जो टाउ की मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो गया, रेडियस के बराबर होगा। वैसे ही हमारे टाउ की वैल्यू फॉर वाई जेड प्लेन इतना होगा, पर एक्स जेड में देखिए कितना ज्यादा है, एक्स जेड में कितना ज्यादा है हमारे टाउ मैक्स की वैल्यू। ठीक है, ये हम लोगों का प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये सिग्मा वन, ये सिग्मा टू, ये सिग्मा थ्री। तो टाउ मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई टू, तभी तो ये रेडियस आएगा ना हम लोगों का, तभी हम लोगों का रेडियस आएगा। तो टाउ मैक्स एक्चुअल हम लोगों का, ठीक है, हाँ, यूनि एक्सियल में हम लोगों का जीरो होगा। ओके, तब हम लोग क्या करेंगे, किसके लिए बोलो, वो तो सिंपल टेंशन टेस्ट ही हो गया हम लोगों का, उसमें क्या थ्योरीज ऑफ फेलियर लगाओगे। ठीक है, यूनि एक्सियली अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें क्या फेलियर का लगाओगे, वो तो हम लोगों को पता है कि उसका एक पॉइंट है, इतना शियरिंग इसमें बनेगा, इसमें फेल हो जाएगा। आया समझ में, बताओ कहां चले गए। यहां देखिए नेक्स्ट क्या है, यील्डिंग ऑफ अ मटेरियल और द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है, कब होता है, जब हमारे प्लेन्स ओरिएंटेड होते हैं 45 डिग्री टू द प्रिंसिपल प्लेन से। ओके, तो टाउ मैक्स सिंपल क्या होता है, सिग्मा वाई बाय टू के बराबर। ओके, सिग्मा वाई बाय टू के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है एमएसएसटी में, ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यूजिंग बोथ द रिलेशंस, कौन कौन से रिलेशन, जो हम लोगों ने एक्चुअल में निकाला सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू, और हम लोगों का जो सिंपल टेंशन टेस्ट से आया हाफ इंटू सिग्मा वाई। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमारी ज्यादा हो गई, ये जो एक्चुअल वाला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू है, अगर ये ज्यादा हो गई हम लोगों के सिंपल टेस्ट के कंडक्टेड किए हुए शियर के वैल्यू के ज्यादा हो गई, तो मेरा फेलियर अकर हो जाएगा। ठीक है, फेलियर अकर्स व्हेन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्सीड्स द यील्ड स्ट्रेस एज डिटरमिंड बाय द यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट। यही हम लोग बार बार लिखते हैं, कंपेयर करना है हम लोगों को रियल वर्ल्ड सिचुएशन को यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट, जिसको हम लोग करते हैं बाय यूटीएम मशीन। ये जो हम लोगों का एमएसएसटी है, एमएसएसटी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ये अच्छा रहता है हमारे डक्टाइल मटेरियल्स के लिए, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फेलियर सरफेस, फेलियर सरफेस हम लोगों का कैसे होगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये इस तरीके से बनता है, यहां पर क्या है सिग्मा वाई, यहां सिग्मा वाई, यहां माइनस सिग्मा है, यहां पर माइनस सिग्मा वाई। नेक्स्ट क्या आता है आपका, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट वेनेंट्स थ्योरी। ये क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि इस थ्योरी के हिसाब से मेरा जो फेलियर होगा ये कब होगा, जब हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू एक्सीड कर जाएगी स्ट्रेन की वैल्यू एट द यील्ड पॉइंट, एट द टेंसाइल यील्ड पॉइंट इन अ सिंपल टेंशन टेस्ट। ठीक है, एक सिंपल टेंशन टेस्ट में जितना स्ट्रेन की वैल्यू आ रही है ना, स्ट्रेन की वैल्यू आ रही है एट द यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट पर जितना आ रहा है अगर उससे ज्यादा हो गया, ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन अगर उससे ज्यादा हो गया तो मेरा मटेरियल फेल हो जाएगा। ठीक है, इन अ सिंपल टेंशन और कंप्रेशन टेस्ट्स। तो हमें पता है स्ट्रेन क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन क्या होता है, सिग्मा वन बाई ई, सिग्मा वन बाई ई, है ना, ये ई क्या है आपका, यंग्स मॉड्यूलस है। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है आपका बताओ तो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, कहां चले गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्ट्रेन को सिग्मा अपॉन ई लिख सकता हूं। अब ये सिर्फ एक एक्सिस पर जब हम लोग लगा रहे तो बाकी एक्सिस में भी कुछ ना कुछ स्ट्रेन, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे होंगे। ये जो स्ट्रेन, ये जो चेंजेस है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, माइनस म्यू इंटू सिग्मा टी बाई ई, सिग्मा टू अपॉन ई, ये म्यू क्या है आपका, पॉइजन रेशियो है,
और फिर तीसरे डायमेंशन में भी हम लोगों का स्ट्रेन की वैल्यू कम हो रही होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेन एक हमारे सिंपल टेंशन टेस्ट के लिए क्या होगा, स्ट्रेन मैक्सिमम सिग्मा वाई बाई ई के बराबर, सिग्मा वाई बाई ई के बराबर। अब देखो दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, जितना एक्चुअल में हुआ है अगर वो ज्यादा हो जाए हमारे सिंपल टेस्टिंग के लिए जो स्ट्रेन की वैल्यू थी सिंपल टेंशन या कंप्रेशन टेस्ट में एट द यील्ड पॉइंट, अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो मेरा मटेरियल फेल हो जाएगा। ठीक है, फेलियर का सरफेस यहां पर आप देख सकते हो, काजू कतली बनता है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, काजू कतली, आया समझ में, कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये सिग्मा है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी या फिर हेग्स थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं, हेग्स थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं, बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट, ये एक अजम्पशन पे बेस्ड है कि स्ट्रेन जो है वो हम लोगों का रिकवरेबल रहता है अप टू इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक रिकवरेबल रहता है हम लोगों के स्ट्रेन की वैल्यू, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो है इन एक्चुअल केस, ठीक है, अगर हम लोगों का एक्सीड कर जाए टोटल स्ट्रेन एनर्जी को इन अ सिंपल टेंशन टेस्ट, तो हमारा मटेरियल जो होगा वो फेल हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब यहां पर क्या है, स्ट्रेन एनर्जी आपको पता है ना क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी पढ़ा होगा सॉम में, हाफ यू सिग्मा स्क्वायर, ऐसा होता है, हाफ सिग्मा स्क्वायर वी, सॉरी हाफ सिग्मा स्क्वायर वी, यही होता है ना। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर लेंगे तो ये डिवाइडेड बाई वी हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाई वी हो जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर बाई टू ये हम लोगों को मिलता है। अब यहां पर क्या हो गया, वन बाई टू ई सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री का स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू प्लस सिग्मा टू सिग्मा थ्री प्लस सिग्मा थ्री सिग्मा वन। स्ट्रेन एनर्जी एक हमारे सिंपल टेंशन टेस्ट में, स्ट्रेन एनर्जी हम लोगों के सिंपल टेंशन टेस्ट में क्या होता है, सिग्मा वन हम लोगों का सिग्मा वाई के बराबर हो जाता है और टू और थ्री हम लोगों का जीरो हो जाता है। तो फॉर सिंपल टेंशन टेस्ट हम लोगों का क्या होगा, इसी में डाल देना ये सारे वैल्यू, सिग्मा टू को जीरो कर देना, सिग्मा थ्री को जीरो कर देना, सिग्मा वन को सिग्मा वाई लिख देना, तो ये किसके बराबर होगा, सिग्मा वाई के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ई के बराबर। ठीक है, अब देखो दोनों को कंबाइन कर देते हैं, अगर ये जो स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू है एक्चुअल में जो लग रहा है ये अगर ज्यादा हो गया हमारे सिंपल टेंशन टेस्ट के स्ट्रेन एनर्जी के बराबर, ठीक है, सिंपल टेंशन टेस्ट के स्ट्रेन एनर्जी से अगर ज्यादा हो गया तो मेरा मटेरियल फेल हो जाएगा। ओके, ये मेरा मटेरियल फेल हो जाएगा। नाउ फॉर टू डी, फॉर टू डायमेंशनल, ठीक है, सिग्मा थ्री की वैल्यू को जीरो कर देना, क्या आएगा, सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा वाई के होल स्क्वायर के बराबर आएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है आपका शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी या फिर जिसको हम लोग कहते हैं वॉन माइसेस थ्योरी या फिर जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टॉर्शन एनर्जी या फिर माइसेस हेनकी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखो इतने सारे नाम हो गए हैं, कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, इसका एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सुनो। ठीक है, घर का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो कौन है, रैनकाइन, रैनकाइन नाम का व्यक्ति है। ठीक है, याद हो गया, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, थ्योरी ये कौन सा होता है, रैनकाइन थ्योरी कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, अगर घर पर बहुत सारे गेस्ट आ जाएं तो उनके साथ हमें चीजों को शेयर करना पड़ता है, तो शेयर हो गया। ठीक है, तो गेस्ट के लिए शेयर, गेस्ट एंड स्ट्रेस का, दैट इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। ओके, ये याद हो गया। अब क्या है कि अगर आपकी शादी हो गई है, ओके, अगर आपकी शादी हो गई है और आपकी जो मिसेस है वो आपसे गुस्सा है, तो मिसेस क्या करेगी, आपके घर को डिस्टॉर्ट कर देगी, खलबली मचा देगी। ठीक है, डिस्टॉर्शन एनर्जी, तो वॉन माइसिस थ्योरी को हम लोग और क्या कहते हैं,
डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी कहते हैं, याद रहेगा? बोलो, इतने सारे लोग सुन रहे, कुछ लिख भी दिया करो, हैं? लिख दो कुछ। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से, जो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी है उसके हिसाब से, हम लोगों का जो शियर स्ट्रेन एनर्जी है, ठीक है, शियर स्ट्रेन एनर्जी है, अगर वो इन एक्चुअल केस एक्सीड कर दे हमारे शियर स्ट्रेन एनर्जी एक सिंपल टेंशन टेस्ट में, ठीक है, जिसको हम लोग परफॉर्म किए हैं ऑन द यूटीएम मशीन फॉर द टेंसाइल टेस्टिंग, अगर इससे एक्सीड हो जाए तो मेरा मटेरियल जो होगा वो फेल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, सिग्मा ई एक्चुअल क्या होता है, 1/12g, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर, ओके। शियर स्ट्रेन एनर्जी एक सिंपल टेंशन टेस्ट में, ठीक है, सिंपल टेंशन टेस्ट में मेरे शियर स्ट्रेन एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, कुछ नहीं, यहां पर सिग्मा 1 को आप सिग्मा वाई ले लेना और सिग्मा 2 सिग्मा 3 को जीरो कर देना, ओके, तो ये क्या मिलेगा, सिग्मा वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6g मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। अगर अब आप कंबाइन करते हैं, ठीक है, जब आप कंबाइन करते हैं दोनों को, एक्चुअल और सिंपल वाले टेस्टिंग को, तो हम लोगों को क्या मिलता है, 1/12g सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सिग्मा वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6g। आ गया समझ में? अब देखिए, अगर अगर प्लेन स्ट्रेस या बाइंड्री स्ट्रेस बोला जाए तो सिग्मा 3 की वैल्यू मेरी जीरो हो जाएगी, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ओके। वन माइनस वन माइसिस जो होता है ये कुछ कम कंजर्वेटिव रहता है एज कंपेयर टू ट्रेस्कास, ये क्या होता है, ये मैं अच्छे से समझाऊंगा कंजर्वेटिव क्या होता है, ये सारी चीजें आगे हम लोग समझेंगे, ये नॉर्मली हम लोगों का बेस्ट रहता है, गुड नहीं, बेस्ट रहता है, बेस्ट रहता है इसके, क्योंकि रिजल्ट जो रहते हैं एक्चुअल वाले से, ठीक है, एक्चुअल फेलियर क्राइटेरिया से हम लोगों का सबसे ज्यादा मैच करता है, कि मटेरियल हम लोगों का जहां पर फेल हो रहा है उससे सबसे ज्यादा मैच करता है फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, ओके, ये आ गया समझ में। अब यहां पर क्या है, इसका फेलियर का सरफेस देख सकते हैं आप, फेलियर का सरफेस कैसा दिखता है, ये हम लोगों का MSST था, MSST देखा था हम लोगों ने। अब इसके सारे पॉइंट्स को जो टच करते हुए निकलता है ये जो कर्व आप देख रहे हो, ठीक है, ये हमारा डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी है, ठीक है। आप इस बात को समझिए, अगर मेरा मटेरियल बहुत ज्यादा सेफ है, देख रहे हो सेफ है अगर हम लोगों का मटेरियल, इसका क्या मतलब है, उसमें बहुत सारा मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं, उसके साथ में हम लोगों ने बहुत मटेरियल, अगर किसी मटेरियल को मुझे सेव करना है, समझ लो ये है मेरे पास, इसको मुझे डिस्टॉर्शन से सेव करना है, इसके ऊपर लोड जो लगा रहा हूं उससे सेव करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको और मोटा बनाऊंगा, ज्यादा मटेरियल का खर्चा करूंगा, ठीक है। तो वॉन माइसिस क्या कहता है, वॉन माइसिस क्या कहता है, मैं थोड़ा कम कंजर्वेटिव हूं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, ये जो थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है ये आउटर में, ये क्या बोल रहा है, जितना बाहर रहेगा इसके बाहर क्या रहता है, फेलियर रहता है, मतलब कम कंजर्वेटिव है, मतलब थोड़ा सा कम मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ओके। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहेगा, बस SYT डिवाइडेड बाई FOS करके निकाल देना। वॉन माइसिस क्या रहता है, आपका इलिप्स बनाता है, ओके। इतना तक आया सब लोगों को समझ में? चलो इस क्वेश्चन को एक बार बनाइए आप, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को बनाइए, सब लोग बनाओगे, बोलो बनाओगे इसको, हेनकीज थ्योरी, हेनकीज कौन सा होता है, माइसिस हेनकी होता है ना, माइसिस हेनकी थ्योरी, मतलब डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के मदद से इसको बनाना है, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, थोड़ा सा एक बार ट्राई करो, ठीक है, क्या है ना, करोगे तो सीखोगे, सीखोगे तो नंबर आएंगे, नंबर आएंगे तो गेट में रैंक आएगा, गेट में रैंक आएगा तो BSU लगेगा, BSU लगेगा तो शादी होगी, शादी होगा तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे तो गेट की तैयारी करेंगे,
है ना, सही बोल रहा हूं? तो अच्छे से पढ़ो, फिर अगर वो गेट की तैयारी करेंगे तो तुम ही लोग पढ़ा देना उसको, ठीक है? इतना अच्छे से तैयारी करो। चलो समझाना शुरू करूं। देखिए यहां पर हम लोगों को बोला गया कि द प्रिंसिपल स्ट्रेस जो इंड्यूस हुआ है एक पॉइंट पर, ठीक है, मशीन मेंबर के ऊपर, स्टील के ऊपर, जिसके SYT की वैल्यू कुछ इतनी दी गई है, ठीक है, सिग्मा 1 इतना है, सिग्मा 2 इतना है, ठीक है। तो आपको ये क्या है, बाई एक्सियल लोडिंग के लिए है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 मिल रहा है। तो हमें पता है कि सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 SYT अपॉन FOS के स्क्वायर के बराबर होगा। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था थोड़ी देर पहले, ये देखिए सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये सिग्मा y के स्क्वायर के बराबर होगा। और यहां पर अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है तो वह SYT अपॉन FOS होगा, ठीक है। ये हो गया, सारा वैल्यूज हमको पता है, सिग्मा 1 पता है, सिग्मा 2 पता है, डाला हम लोगों ने, SYT की वैल्यू पता है, डाल दिया, स्क्वायर ले लिया, FOS का स्क्वायर, FOS कितना आएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आएगा, 2.58 आएगा, ठीक है, 2.58, ओके। चलो ये आ गया समझ में, अब चलिए 2.58 आएगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड दिव्यांशु। चलो इसको बनाएंगे, मिलके बनाएंगे, साथ में बनाएंगे। चलिए पहले आप बनाएंगे फिर हम बनाएंगे, चलो बनाओ इसको, ट्राई करो कम से कम। क्या किया करो, अगर कुछ भी कभी समझ में नहीं आता ना, एटलीस्ट डाटा लिखा करो, है ना। डाटा लिखने के बाद जो फॉर्मूला बताया गया है उसको लिखा करो, फिर उसके बाद कोशिश किया करो यूनिट बैलेंस करने का, बहुत सारे तरीके होते हैं, ये सब करने की कोशिश करो। चलो वेरी गुड बनाओ। कोई हिंट चाहिए होगा तो पूछ लेना, ठीक है, हिंट चाहिए तो पूछ लो, पर ना कोशिश करो, इसको कोशिश करना जरूरी है।
थ्री आया, चलो देखेंगे। चलो देखते हैं, फाइंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है एमएसएसटी या फिर गेस्ट मेथड से, जब हम लोगों का जो बोल्ट है सब्जेक्टेड है एक एक्सियल लोड पे, ठीक है, और एक ट्रांसवर्स शियर लोड लग रहा है, ठीक है, मतलब यहां पर समझ लो ये मेरा बोल्ट है, ठीक है, इसमें एक एक्सियल लोड लग रहा है, साथ साथ में एक हम लोगों का ट्रांसवर्स शियर करने वाला लोड लग रहा है, ये जो लोड होगा ये इसे शियर करके अलग करने की कोशिश करेगा, 5 किलो न्यूटन का लग रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल्ट का कितना है, 250 mm² है, ठीक है, एंड हमारा जो यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, बोल्ट मटेरियल का वो 230 MPa के बराबर है। तो हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, सबसे पहले टाउ मैक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, टाउ मैक्स की वैल्यू निकालनी है। चलो कैसे करेंगे, एफ की वैल्यू हमको दे दी गई, एक्सियल लोड दे दिया गया, ट्रांसवर्स लोड हम लोगों को दे दिया गया है, एरिया की वैल्यू दे दी गई है, सिग्मा वाईटी 230 MPa के बराबर है वो दे दिया गया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोगों को दिया गया है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू एमएसएसटी, एमएसएसटी के हिसाब से टाउ मैक्स जो होगा हम लोगों का, जो टाउ मैक्स होगा, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन 2 FOS, यही होता है कि नहीं बताओ, यही होता है, सिग्मा वाई टी अपॉन FOS होता है ना, और ये मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी के लिए, सॉरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एनर्जी के लिए 2 से इसको और डिवाइड करते हैं हम लोग, यही हम लोगों ने पढ़ा है एमएसएसटी में, ठीक है, हाँ चलो पता है। फिर ये हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगा, सिग्मा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, सिग्मा वाई टी अपॉन 2 FOS के बराबर। सिग्मा की वैल्यू क्या हो गया, सिग्मा हम लोगों का बिकॉज ऑफ द एक्सियल लोड लग रहा है तो 10 किलो न्यूटन था, तो 10 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 × 250 ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टाउ क्या होगा, 5000 डिवाइडेड बाई 250 के होल स्क्वायर के बराबर, 5000 डिवाइडेड बाई 250 के होल स्क्वायर के बराबर, ओके। सिग्मा वाई टी, सिग्मा वाई टी क्या है, 230 है, क्वेश्चन में दिया गया है, ओके क्वेश्चन में दिया गया है, और डिवाइडेड बाय 2 × फैक्टर ऑफ सेफ्टी करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोगों का 4.06 आएगा, ओके फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरा 4.06 आएगा। बताओ कोई परेशानी, कोई दिक्कत बताओ, समझ में आया, दिव्यांशु का सही है ऑलमोस्ट, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ट्राई करना जरूरी है, ट्राई करोगे गलती करोगे, गलती करोगे सीखोगे। बनाओ बनाओ, सॉरी ये आ गया ना इसलिए दिख नहीं रहा होगा, बोल भी नहीं रहे हो, चलो अब बनाओ। समझ रहे हो ना ये लोड लग कैसे रहा है, अगर कुछ नहीं आ रहा है समझ में यहां पर क्या हो रहा है तो एक बार बता दो, मैं आपको एक हिंट दूंगा, हिंट दूंगा, बनाना आप ही को है, हिंट बस मैं दूंगा।
नहीं आ रहा है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये हम लोगों का लोड पी लग रहा है। मैं क्या करता हूं, यहां पर क्या करता हूं, एक पी यहां पर लोड लगाता हूं और यहां पर नीचे पर भी सेम मैं एक और पी लोड लगाता हूं। लगा सकता हूं ना, कैंसल हो जाएगा। ठीक है, लगा दिया मैंने। अब देखिए ये जो लोड है पी, ये लोड और ये जो है, ठीक है, ये दोनों मिलकर एक मोमेंट, ये एक कपल क्रिएट कर रहे होंगे। बताओ, कपल क्रिएट कर रहा है जो ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। बोलो, ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा, है ना। और ये जो अब हम लोगों का पी बचा, ये ट्रांसवर्स लोड लगा रहा है इसके ऊपर, जो मोमेंट क्रिएट करेगा। बोलो, इसके अलोंग मोमेंट क्रिएट करेगा। तो मोमेंट पता चल गया, ट्विस्टिंग कपल हम लोगों को पता चल गया है। ट्विस्टिंग कपल क्या होगा, पी इंटू 200, और मोमेंट कितना होगा, पी इंटू 400। चलो अब निकालो मोमेंट एंड कपल। ठीक है, अभी अगर नहीं हो रहा है ना, मैं आपको एक चीज बस यहां पर बता रहा हूं। देखो मोमेंट क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट हमारे एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये मैं यहां पर लोड लगा रहा हूं तो एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही आपको बताना रहता है। ठीक है, कपल क्या होता है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। ये हम लोगों का क्या होता है, कपल बनाता है। और टॉर्क क्या होता है, ट्विस्टिंग मोमेंट, जो ट्विस्ट करने वाला मोमेंट होता है ना, जो ट्विस्ट करता है, ठीक है, मोड़ता है, ऐंठता है, ठीक है, जिसके वजह से रोटेशन होता है, वो हम लोगों का टॉर्क कहलाता है। फर्क आया तीनों में समझ में, कपल क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, टॉर्क क्या होता है। बोलो, कपल मोमेंट टॉर्क के बीच में फर्क। ठीक है, शियर स्ट्रेस 5000 कहां से आया, मैं कब बोला। अच्छा, इसमें बोल रहे हो, ये हम लोगों के टाउ की वैल्यू है, टाउ हम लोग निकाले हैं। ठीक है, यहां देखो ये है ना, ये शियर फोर्स, शियर फोर्स के वजह से आया है, शियर स्ट्रेस 5000 न्यूटन्स। ठीक है, समझ में आया, शियर स्ट्रेस के वजह, शियर फोर्स के वजह से शियर स्ट्रेस लगेगा। ये पॉइंट आया आप लोगों को समझ में। ठीक है, चलिए अब ये हम लोग देख लिए, ये क्वेश्चन अगर आप अभी अब बताएंगे, अब लगाओगे, क्योंकि एक लग रहा है हमारा मोमेंट और एक हम लोगों का लग रहा है कपल। ओके, दो फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी एक्ट कर रहा है। हाँ, उसी लिए वो जो शियर करने के लिए लोड लगा रहा है, वही तो हम लोगों का शियर स्ट्रेस क्रिएट करेगा ना। ठीक है, अब देखो हम लोगों को क्या दिया गया है, डाया दिया गया है शाफ्ट का, 50 न्यूटन है, 50 mm है। एस वाई टी की वैल्यू दे दी गई है 400 MPa, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताया गया है। कैलकुलेट करना है लोड पी अकॉर्डिंग टू एम एस एस टी। ठीक है, सबसे पहले एम एस एस टी बोल दिया, मतलब टाउ मैक्स हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर हम लोगों को सारी चीजें दे दी गई है। तो मैंने आपको बताया था ना, मोमेंट लग रहा है, मोमेंट हमारा लग रहा है पी इंटू 400। पी ये है, ये 400, और कपल हम लोगों का लग रहा है ये पी, ठीक है, पी इंटू 200। ठीक है, पी इंटू 200 लग रहा है, पी इंटू 200 लग गया। अब देखिए एमएसएसटी हम लोगों को क्या बताता है, टाउ मैक्स। अब देखिए कंबाइंड लोडिंग जब होता है तब हम लोग क्या लिखते हैं,
16 TE अपॉन पाई डी क्यूब, ठीक है, ये टॉर्क इक्विवेलेंट, तो क्या होगा 16 बाय पाई डी क्यूब अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, सॉम में पढ़ा होगा आप लोगों ने, किसके बराबर होगा एस वाई टी अपॉन टू इंटू एफ ओ एस के बराबर होगा बाई शियर एम एस एस टी थ्योरी। डाल देते हैं सारी वैल्यूज को, ठीक है, 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 की है, पी की वैल्यू मेरी इतना आएगा न्यूटन में, इसको क्यूलर न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करके। आया समझ में? बोलो, क्लियर हुआ ये चीज? बताओ। अब चलो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी की मदद से इसको बनाइए, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के मदद से इस क्वेश्चन को बनाइए। बोलो बनाओगे? करो करो, ट्राई करो, बनेगा क्वेश्चन, बनेगा, ठीक है, नहीं तो मैं तो हूं बता दूंगा अभी। ओके, डिस्टॉर्शन एनर्जी क्या बोलता है आपको, क्या बोलता है देखो। अब एक बात को समझिए कि एक हम लोगों का मोमेंट आ रहा है जो कि बेंडिंग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो जो यहां पर था हम लोगों का, इसके ऊपर ये लग रहा था 400 के डिस्टेंस में, इसके वजह से बेंडिंग होगा, और वो जो ट्विस्टिंग कपल लग रहा था उसके वजह से शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, शियर स्ट्रेस। तो ये किसके बराबर होगा, बेंडिंग स्ट्रेस हम लोगों का एम वाई बाई आई के बराबर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 32 m by pi d cube, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 32 into m की वैल्यू 400 p divided by pi into d cube, तो t हम लोगों का कितना आ जाएगा 200 p के बराबर, है ना, t हम लोगों का 200 p है, अभी देखा था हम लोगों ने, उसको डाल देंगे 16 t upon pi d cube में, डाला हमने, tau की वैल्यू मिल गई 0.00814 p के बराबर, सिग्मा बी की वैल्यू, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू इतनी आई है, ठीक है, तो इससे हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को कैलकुलेट कर लेंगे, सिग्मा बी अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का होल स्क्वायर, निकाल लिया हम लोगों ने, ये वैल्यू निकाली है, ठीक है, ये वैल्यू आई है। ओके, अब एक हम लोगों का सिग्मा 1 बनेगा, एक हम लोगों का सिग्मा 2 बनेगा, सिग्मा 1 की वैल्यू ये है, सिग्मा 2 की वैल्यू ये है। अब हमें फॉर्मूला पता है अंडर रूट सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये हमारा SYT अपॉन FOS के बराबर होना चाहिए, ये पूरा वैल्यू हम लोग डालेंगे, हमें ये मिलेगा, ये किसके बराबर 400 अपॉन 2 के बराबर, P की वैल्यू 6003 न्यूटन आएगा, P कितना हो गया 6.003 किलो न्यूटन के बराबर। आया समझ में? बोलो। चलो इसको बनाओ, इसको बनाइए, इसको ट्राई करिए, कुछ आया समझ में कैसे करना था उसे? बोलो।
क्या वाई क्यू लिखे, भूल भी गया मैं, इतना स्लो चलता है ना ये, इसका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं है ना उतना, मतलब यूट्यूब में उतना नहीं रहता है। तो बताओ। समझाऊंगा मैं इसको, एक बार ट्राई करो, ठीक है? रैंकाइंस थ्योरी और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी दोनों का इस्तेमाल करो। अच्छा, वेरी गुड। वो मैं ही उन लोगों को सिखाया हूं, इसलिए यस को वाई लिखते हैं। मेरे क्लास में यस को वाई ही लिखते हैं। चलो देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को क्या बोला गया है। एक बोल्ट है जिसके सब्जेक्ट किया गया है टू अ लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन। 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया गया है इसके ऊपर एक्सियली, ठीक है? टुगेदर विद अ ट्रांसवर्स शियर फोर्स, ट्रांसवर्स शियर फोर्स भी लगाया गया और एक्सियल लोड भी लगाया गया है। शियर हम लोगों का 5 किलो न्यूटन का और एक्सियली हम लोगों का 10 किलो न्यूटन का। एस वाई टी की वैल्यू क्या आएगी? 270 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर, और म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.3 दे दिया गया है। डाया ऑफ द बोल्ट हमको पता करना है रैंकाइन थ्योरी से और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी से। गिवन क्या है? हम लोगों का एक्सियल लोड दिया था, तो एक्सियल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है कितना? 10 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय ए, ठीक है? टाउ की वैल्यू क्या होगा? 5 × 10³ डिवाइडेड बाय ए। ओके, ये मिल गया। क्यों? जो शियर फोर्स हम लोगों का लगा है वो शियर स्ट्रेस क्रिएट करेगा। एस वाई टी की वैल्यू दे दी गई है, एफ ओ एस की वैल्यू दे दी गई है, म्यू की वैल्यू दे दी गई है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू रैंकाइंस थ्योरी, रैंकाइंस थ्योरी के हिसाब से सिग्मा वन एस वाई टी अपॉन एफ ओ एस के बराबर होगा, ठीक है? सिग्मा वन क्या हो जाएगा, लिख लेंगे हम लोग, निकाल लेंगे। सिग्मा वन जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो क्या होगा? सिग्मा जो हम लोगों का पहले एक्सियल के वजह से आया हुआ है 10 × 10³ डिवाइडेड बाय 2 × a, ठीक है? ये अभी जो हम लोगों ने किया है ये, ठीक है? प्लस अंडर रूट ये सेम का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर निकाल लेंगे, इतना आएगा 12071 डिवाइडेड बाय a। ओके, अब क्या हुआ? पाई बाई 4 × d² ये एरिया, पाई बाई 4 × d² 2 × 12071 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 270, क्योंकि सिग्मा वन हम लोगों का क्या होगा? अल्टीमेट यील्ड पर होगा, अल्टीमेट यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ पर, ठीक है? मैक्सिमम हम लोग यहीं पर चेक करेंगे कि अगर हम लोगों की लोड की वैल्यू अगर इतनी हो गई, यहां पर हम लोगों को सेव करना है, तो डी की वैल्यू कितना आएगा? 10.67 mm के बराबर। ओके, 10.67 mm के बराबर आएगा ये। आप देखो, अगर हम लोगों को बोला जाए कि मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी से बनाओ, तो सिग्मा टू भी कैलकुलेट करना, ये आएगी वैल्यू। फिर क्या करना? अंडर रूट सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर माइनस सिग्मा वन सिग्मा टू करना, ये हमारा एस वाई टी अपॉन एफ ओ एस के बराबर होगा, क्या हो जाएगा? 270 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है? ए की वैल्यू कितना आएगा? ए की वैल्यू 146.98 mm स्क्वायर के बराबर। ओके, और डी इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 3
13.7 mm के बराबर। ओके, समझ में आया कैसे बनाना है बताओ? कुछ चीजें समझ में आई कैसे सॉल्व करेंगे? थ्योरी ऑफ फेलियर के कुछ क्वेश्चन बने, इसको एक बार देख लीजिए, देखिए और फिर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बताऊंगा सही है कि नहीं है। ओके, चलो बनाओ तो इसको शुरू करो बनाना, बनाना शुरू करें। ये लो बताओ। चलो इसका आप स्नैप ले लो या फिर बाद में कर लेना, हम लोग क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे फिर इसको अगली क्लास में, ठीक है? या आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर और मैं आपको फिर इसका सलूशन प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आगे हम लोग फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे, तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। ओके, समझ में आया होगा तो जरूर बताइएगा। लेक्चर मेरा यूट्यूब पर क्या होता है, रैंडमली रहता है यार, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग अपना कॉन्टैक्ट वगैरह दे दिया करो ताकि मैं आपको नोटिफाई कर दूं। यहाँ पर कई लोग हैं जिन लोगों को मैसेज किया मैं खुद से और उन लोगों को पता चला कि क्लास चल रही है, तो ऐसे ही आपको अपना नंबर वगैरह शेयर कर दोगे तो मैं आपको ऐड कर लूंगा ग्रुप में और आपको मैसेज भेज दूंगा, ठीक है? चलिए तो थैंक यू एवरीवन, एंड करते हैं आज का सेशन। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।